हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन एंड दिस इज पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर टू फंक्शंस इन पाइथन. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पॉइंट्स लाइक व्हाट इज मॉड्यूल, हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल्स, सम बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड वेज टू इम्पोर्ट मॉड्यूल्स. ओके, तो ये कुछ टॉपिक है, इनको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ. फर्स्ट पॉइंट इज मॉड्यूल. क्या होता है मॉड्यूल? अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग फंक्शंस एंड वेरिएबल डिफाइंड इन सेपरेट फाइल. ठीक है, तो एक मॉड्यूल क्या होता है? जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं एक सेपरेट फाइल में. ठीक है, मैं आपको एक मॉड्यूल दिखाता हूं अभी. ओके, तो यहां पे आपके सामने एक छोटा सा मॉड्यूल है. जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था, मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल एक फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो आप भी इस तरह का एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है. मेरे मॉड्यूल का नाम है एरिया. ठीक है, एरिया डॉट पाई. डॉट पाई एक्सटेंशन से आपको उस फाइल को सेव करना होगा, तभी आप इसको कॉल कर सकते हैं, यानी इम्पोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने एक एरिया नाम की फाइल के अंदर चार फॉर्मूले पे बेस्ड चार प्रोग्राम बनाए हैं या चार फंक्शंस बनाए हैं, जो कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने का काम करेंगे. ठीक है, तो मैंने ये सारे ही फंक्शंस एक फाइल में रखे हैं और इस फाइल को मैं सेव करूंगा डॉट पाई एक्सटेंशन के साथ. जो भी आपको नेम चूज करना है वो आप नेम यूज कर सकते हैं और आपको एक्सटेंशन डॉट पाई ही रखना होगा. ठीक है, तो अब मैं इसको सेव कहां करूंगा आपको ये देखना है. ठीक है, मैं इस फाइल को सेव करता हूं और एक्चुअली मेरी फाइल पहले से ही सेव है, बट आप प्लेस देख लीजिए कहां पे आपको इसको फाइल को सेव करना है. ठीक है, अगेन आपको इस फाइल को सेव करना है कहाँ पे, ये देखिए सी ड्राइव में, जहां पे भी आपका पाइथन का जो फोल्डर बना हुआ है, जहां पे आपने इंस्टॉल किया था, ये यहाँ पे बना हुआ है, जैसे पाइथन 34. अब इसके अंदर आप अपनी फाइल को स्टोर कर दीजिए यहाँ पे. जैसे ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो फाइल है यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे सेव है एरिया नाम से. ठीक है, अब यहाँ पे जब स्टोर रहेगी, यहाँ पे जब सेव रहेगी, तो आप इस जगह से अपनी इस मॉड्यूल को, क्योंकि ये आपका एक मॉड्यूल बन गया है. ठीक है, अब इस मॉड्यूल को आप कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं. अब हम लोग देखते हैं इस मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट किस तरह करेंगे. चलिए चलते हैं, अब एक नई फाइल क्रिएट करता हूं मैं. ओके, तो अगेन हम लोग पाइथन एडिटर पे आ गए हैं, स्क्रिप्ट मोड पे हूं मैं, और यहां पे मैं अब इंपोर्ट करता हूं जो भी मैंने फंक्शन वहां पे बनाया था, उसका नाम था एरिया. ठीक है, एरिया फंक्शन इंपोर्ट हो गया. सिर्फ इतना ही लिखने से अपना फंक्शन इंपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं किसी एक फंक्शन को यहाँ पे यूज करके देखता हूँ जो भी एरिया के अंदर लिखा हुआ था. तो एरिया डॉट लाइक यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है स्क्वायर. अब मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ स्क्वायर और जितने उस वो पैरामीटर्स में दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग मैं आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास कर दूंगा. ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ लिखा 5. ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, हमें इसकी आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, तो ये देखिए 5 × 5, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ था, साइड इंटू साइड, तो उसी अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ वैल्यू दिया है उसी को आपस में दो बार यहाँ पे इंटू कर दिया और आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई. ठीक है, ओके, तो आई होप मॉड्यूल क्या होता है और मॉड्यूल हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये दोनों ही टॉपिक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन. ठीक है, पाइथन में कौन कौन से मॉड्यूल्स हमारे पास ऑलरेडी बने हुए रखे हैं. ठीक है, उन मॉड्यूल्स को हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं, तो कुछ तीन बेसिक यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है, लाइक मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल एंड स्टैटिक मॉड्यूल्स. ठीक है, तो ये मॉड्यूल हैं और इन मॉड्यूल्स के अंदर कुछ फंक्शंस हैं. इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं, जैसे सील, फ्लोर, पाओ, स्क्वायर रूट, एफएब, लॉग 10, कॉस, साइन एंड 10. एक एक करके हम लोग इन्हीं सब फंक्शंस का डेमो लेते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं सील फंक्शन से. ओके, तो मैथ्स मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं, मुझे अगर उनको यूज करना है तो पहले मुझे मैथ्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो मैंने लिखा इंपोर्ट और लिखा मैथ. ठीक है, तो ये मेरा मैथ्स मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया. अब हम लोग वन बाय वन ये सारे फंक्शंस यूज करके देखेंगे. ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है सील, तो मैं लिखा मैथ डॉट सील. ठीक है, अब सील फंक्शन क्या करता है? सील फंक्शन किसी भी नंबर को, अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर है, यानी 3.8, 3.2 या कोई भी नंबर, उसको अपसाइड यानी ऊपर की साइड ही लेके जाएगा और जो भी नियरेस्ट इंटीजर है उसमें कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ 3.8 और आउटपुट चेक करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे 4 आया है, और इसकी जगह मैंने 3.2 भी लिखा होता तब भी 4 आता, 3.1 लिखा होता तब भी 4 आता, क्योंकि सील का मतलब है अपसाइड. ठीक है, तो
सील क्या करता है, सिंपल किसी भी नंबर को ऊपर की साइड अप साइड नियरेस्ट जो भी इंटीजर मिलता है उसमें वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोर, फ्लोर इसका जस्ट अपोजिट है, तो अब मैं यहां लिखता हूं मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। अब मैं फ्लोर पे अगर 3.8 देता हूं तो फ्लोर क्या करेगा, क्योंकि फ्लोर मतलब नीचे साइड, ठीक है, अब वो 3.8 को 3 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखिए सिंपल है, सील का मतलब आपको समझ में आ गया और फ्लोर का मतलब भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, पावर, पावर क्या है, यहां पे लिखा हुआ है, मैं लिखता हूं मैथ्स डॉट पावर, पी ओ डब्ल्यू। पावर फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर का पावर गेट कर सकता है, लाइक एक्स और वाई दो वैल्यू यहां पे आपको दी हुई है, जिस नंबर का आपको पावर गेट करना है वो आपको यहां लिखना है और जितना पावर आपको चाहिए वो आपको यहां लिखना है, ठीक है। तो मैंने इसका यहां पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 4 मुझे गेट करनी है। मैं एंटर करता हूं तो ये देखिए 81 यहां पे आपको आउटपुट मिल गया, 81, ठीक है। तो मुझे पावर यहां पे समझ में आ गया, पावर मिल गया। देन नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किस तरह चलता है, मैं यहां लिखता हूं मैथ डॉट एस क्यू आर टी, और यहां पे मैंने लिखा सिंपल, लाइक मैं यहां लिख देता हूं 64, तो 64 का जो भी स्क्वायर रूट है वो मुझे यहां मिल जाएगा। मैंने एंटर किया, ये देखिए मुझे 8 आंसर में 8 मिल गया, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज एफ ए बी एस, ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको शो करता है। जैसे मैंने यहां लिखा अगेन मैथ्स डॉट एफ ए बी एस और मैंने यहां लिखा -10, तो -10 को एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट कर देगा और यहां पे मुझे इसका रिजल्ट मिला 10। मींस कहने मतलब ये है कि जो भी आप माइनस में अगर कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो वो उसका माइनस हटा देगा और जो भी एक्चुअल नंबर आ रहा है वो आपको यहां पे शो करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लॉग 10, लॉग 10 क्या करता है, मैं आपको लिख देता हूं लॉग 10 डॉट लॉग 10। ओके, लॉग 10 बताता है कि अंदर जो वैल्यू लिखी है, जैसे मैंने अंदर लिखा 100, तो ये वैल्यू 10 पे अगर मैं कितनी पावर लगाऊं तो मुझे मिलेगी, ठीक है। लाइक 10 की पावर 2, यानी 10 जा 100, तो 10 की पावर 2 क्या होता है, 100, ठीक है। तो यहां मैंने जो भी वैल्यू रखी है वो कितनी पावर लगाने पे, 10 की कितनी पावर लगाने पे मुझे मिलेगा, तो मैंने जब एंटर किया तो आपको आंसर मिला 2, यानी 10 की पावर अगर 2 होगा तो मुझे यहां पे जो वैल्यू मैंने यहां रखा है वो मुझे मिलेगा, ठीक है, सिंपल सा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉस साइन 10, कॉस साइन 10 आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता ही होगा कि कॉस साइन 10 क्या होता है। आपको मैथ्स के अंदर जो भी वैल्यू चाहिए, आपने जो भी फंक्शन आपको चाहिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा कॉस और जो भी वैल्यू आपको यहाँ रखनी है आप रखिए, उसका जो भी कॉस की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप साइन रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा साइन, जो भी वैल्यू आपको रखना है उसका साइन का वैल्यू मिल जाएगा, और ऐसे ही अगेन आपको 10, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 10 तो आपको जो भी वैल्यू है उसकी 10 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि मैथ्स मॉड्यूल में होते हैं, ठीक है। आई होप ये सारे फंक्शंस मैथ मॉड्यूल के जितने मैंने आपको समझाए हैं ये एक एक आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है अपना। ओके, सो नेक्स्ट मॉड्यूल इज रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के अंदर भी कुछ 6-7 फंक्शंस हैं, रैंड रेंज, रैंडम, रैंडेंट, यूनिफॉर्म, चॉइस एंड सफल। चलिए एक एक करके अगेन देखते हैं इन ये फंक्शन हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, अगेन सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम मॉड्यूल, रैंडम, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल मेरा इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग एक एक करके इन सारे फंक्शंस का यूज करना सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा सिंपल रैंडम, ये रैंडम जरूर लिखना है, डॉट रैंडम किस केस में नहीं लिखा जाएगा वो भी आपको बताऊंगा। अब पहला फंक्शन है मेरा रैंड रेंज, मैं लिखा रैंड रेंज, तो अब यहां रैंड रेंज के अंदर देखिए क्या लिखा है, दिस मेथड जनरेट्स अ इंटीजर बिटवीन इट्स लोअर एंड अपर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, द डिफॉल्ट लोअर इज 0, तो डिफॉल्ट लोअर है 0 और मैं मान लो यहां पे 10 देता हूं, ठीक है, तो 0 से लेकर के 10 एक्सक्लूड हो जाएगा, 10 से लेकर के 0 तक के बीच में कोई भी एक नंबर आपको यहां पे रैंडमली आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं एंटर किया तो ये देखिए इस बार 1 मिला, फिर से एक बार मैं इसको एंटर कॉपी करके पेस्ट करता हूं, इस बार कोई और नंबर मिल गया लाइक 5, ठीक है। तो 0 से लेकर के 10 उसमें एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक में आपको सारे नंबर्स में से कोई एक नंबर आपको यहां पे रैंडमली
शो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेंड रेंज फंक्शन. ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज रैंडम. रैंडम फंक्शन क्या करता है, इसको भी मैं यहां पे लिखता हूं, रैंडम रैंडम डॉट, इसका नेम रैंडम ही है, ठीक है, रैंडम. अब मैंने यहां पे अगेन रैंडम फंक्शन में आपको कोई आर्गुमेंट नहीं देना, रैंडम फंक्शन में आपको कोई भी आर्गुमेंट नहीं देना. यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड जनरेट नंबर्स फ्रॉम 0 to 1, नो नीड ऑफ एनी आर्गुमेंट. ये फंक्शन ऑटोमेटिकली 0 से लेकर के 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स में वैल्यू हो सकते हैं वो आपको जनरेट करके देगा. मींस जितने भी नहीं, कोई भी एक नंबर, एक बार में एक नंबर, ठीक है. ये देखिए एंटर किया मैंने, एक बार में एक नंबर मिला. फिर से मैं इसको रन करा के चेक करता हूं, फिर से एंटर, देखिए इस बार आपको दूसरी वैल्यू मिली. मींस 0 से लेकर के 1 के बीच में जितने भी नंबर जनरेट हो सकते हैं उसमें से कोई एक नंबर आपको वो रैंडमली निकाल के देगा, ठीक है. चलिए ये हो गया अपना रैंडम फंक्शन. नेक्स्ट इज रेंड इंट. रेंड इंट फंक्शन क्या करता है, अगेन मैं यहां पे लिखता हूं, मैं रैंडम डॉट रेंड इंट, रेंड इंट. तो रेंड इंट फंक्शन में मैं दो वैल्यूज दूंगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज. तो आपको यहां पे रेंज देनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहां पे लिखा 1 to 6. अगर आपने देखा होगा लूडो खेलते वक्त या सांप सीढ़ी खेलते वक्त आपको इस तरह का एक डाइस गेम बनाना पड़ता है, डाइस बनानी पड़ती है, तो उस जगह पे हम लोग इस रैंडम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 भी इंक्लूड होता है और 6 भी इंक्लूड होता है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो ये देखिए इस बार 1 आया है, फिर से एंटर कर सकता हूं, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूं और एंटर करता हूं तो इस बार 4 आया. तो आप इस फंक्शन की हेल्प से सांप सीढ़ी या लूडो गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है. चलिए ये फंक्शन भी हो गया. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म फंक्शन क्या करता है, चलिए यहां पे लिखते हैं पहले. यूनिफॉर्म फंक्शन सिंपल, आपका अगेन दो नंबर के बीच में जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट हो सकते हैं वो आपको देता है. मैंने यहां लिखा यूनिफॉर्म और दो नंबर्स यहां पे लिए, लाइक मैं लिया 10 to 40. तो 10 टू 40 के बीच में जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं, यानी पॉइंट्स में जो नंबर्स हो सकते हैं उसमें से कोई भी एक नंबर आपको एक बार में लाके देगा. ये देखिए इस बार 37 आया, मैं इसको एक बार फिर से कॉपी करके पेस्ट करता हूं तो इस बार कोई दूसरा नंबर यहां पे आपको शो हुआ, ठीक है. तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म फंक्शन. चलिए नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है अपने पास, नेक्स्ट है चॉइस फंक्शन. चॉइस क्योंकि यहां पे लिस्ट टपल या स्ट्रिंग के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, तो मैं यहां पे एक लिस्ट जनरेट कर लेता हूं, एक छोटी सी लिस्ट, और मैंने यहां लिखा 20, 40, 10, 50, ठीक है. छोटी सी लिस्ट मैंने बना ली और अब मैं यहां पे यूज करता हूं चॉइस फंक्शन. मैं लिखा रैंडम डॉट चॉइस और यहां पे मैं एल वेरिएबल का नाम लिख देता हूं. जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस पूरी लिस्ट में से कोई भी एक नंबर रैंडमली, कोई भी एक नंबर मुझे वो निकाल के देगा, यानी कोई भी एक एलिमेंट मुझे निकाल के देगा, ठीक है. फिर से अगर मैं इसको प्रिंट करूं यहां पे तो ये देखिए इस बार मुझे कोई दूसरा नंबर मिला. तो सिंपल ये वर्क है आपके चॉइस फंक्शन का. नेक्स्ट इज शफल. शफल क्या करता है, चलो अगेन मैं यहां पे सेम लिस्ट के साथ ही वर्क करता हूं. मैं लिखा यहां पे रैंडम डॉट शफल और मैंने यहां पे वेरिएबल लिख दिया एल. तो शफल क्या करेगा, लिस्ट के नंबर्स को आपस में शफल कर देगा, मींस यहां वहां कर देगा, ठीक है. अब मैं इस लिस्ट को यहां पे प्रिंट करता हूं, ये देखिए जो मेरा मेन लिस्ट था वो क्या था, 20, 40, 10, 50, अब यहां पे ये शफल हो गया, मींस नंबर चेंज हो गए. अब ये चीज मुझे फिर से करनी है तो मुझे फिर से ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और फिर से मैं एल को प्रिंट करता हूं तो ये देखिए फिर से एक बार नंबर यहां पे शफलिंग हो गई, मींस सारे नंबर यहां वहां हो गए. ओके, सो रैंडम मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शन थे, आई होप ये सारे आपको मैंने जो बताए हैं समझ में आ गए होंगे, ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है, और सॉरी नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है, स्टैटिस्टिक्स. तो इसके अंदर अगेन तीन मॉड्यूल है, मीन, मीडियन, मोड. इनको भी हम लोग जल्दी देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करते हैं. ओके, तो मैं सबसे पहले मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. अब मैं सबसे पहले मीन को यूज कर देखता हूं, तो स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, ठीक है. तो मीन क्या है, आपको पता है मीन इज द एवरेज, ठीक है. तो एवरेज यहाँ निकालना है तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक, मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, तो पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ. और मैंने यहाँ लिखा 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है.
और एक और नंबर ले लेते हैं 70। ठीक है, अब मेरे पास एक लिस्ट है और मैं अब मीन को यहाँ पे यूज़ करके देखूंगा, स्टैटिक्स डॉट मीन। ठीक है, तो मीन क्या करेगा, इसका एवरेज निकाल देगा पूरा। तो मैंने यहाँ किया एंटर, तो ये देखिए इस सारे नंबर्स को उसने ऐड किया और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड किया और यहाँ पे मुझे इसका मीन मिल गया। ठीक है, सो मीन समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मीडियन की। अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको पूरा और यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीडियन। ठीक है, डीएन, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ अब ठीक है, मीडियन नहीं, यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, मीडियन। अब मीडियन फंक्शन क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट का मीडियन निकाल के देगा आपको। तो मैंने एंटर किया, तो ये देखिए मीडियन मीन्स क्या होता है, मिडिल नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 40 इज द मिडिल नंबर। ठीक है, नाउ अब लास्ट इज मोड। मोड क्या करता है, रिटर्न द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द लिस्ट। तो इस लिस्ट में कोई वैल्यू तो रिपीटेड है नहीं, तो मैं इस लिस्ट को फिर से यहाँ पे एक बार लिखता हूँ और उसमें कोई वैल्यू रिपीट कर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे 10 को फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को फिर से यूज कर देखता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट लाइन में और अब मीडियन की जगह लिख देता हूँ मोड। ठीक है, और नाउ अब हम लोग इसको रन करते हैं। तो ये देखिए क्या मिला हमको, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, जो 10 हमारी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो वैल्यू मुझको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो सिंपल स्टैटिक्स के फंक्शन किस तरह यूज किए जाते हैं आपको सब समझ में आ गए होंगे, मीन मीडियन मोड। ओके, तो ये तो हो गए अपने बिल्ट इन फंक्शंस इन मॉड्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेज टू इम्पोर्ट मॉड्यूल। मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ तरीके दिए हुए हैं, हम लोग एक एक को अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू इम्पोर्ट एनी मॉड्यूल। तो इतना तो हम लोग अभी देख के आए हैं, किसी भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के लिए हमें इम्पोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करना है। सिंपल, जो भी मॉड्यूल हमको यूज करना है या इम्पोर्ट करना है उसके आगे हमें लिखना है इम्पोर्ट और उस मॉड्यूल का नेम। ठीक है, तो एक पॉइंट तो अपना हो गया। देन सेकंड पॉइंट इज टू इम्पोर्ट और एक्सेस मोर देन वन मॉड्यूल टूगेदर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं एक ही लाइन में हम लोग एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, इम्पोर्ट के आगे हमको तीनों ही मॉड्यूल के नेम कॉमा कर करके लिख देने हैं। लाइक मैंने यहाँ लिखा मैथ्स, मैथ्स के आगे, मैथ्स के साथ साथ मैं रैंडम मॉड्यूल भी इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने रैंडम मॉड्यूल भी इम्पोर्ट कर दिया। और रैंडम के साथ साथ अगर मैं स्टैटिस्टिक्स भी मॉड्यूल इम्पोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास एक साथ तीनों मॉड्यूल इम्पोर्ट हो गए हैं और मुझे बार बार मॉड्यूल इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं। मैं अब सारे वर्क यानी तीनों ही मॉड्यूल के सारे फंक्शंस में एक साथ यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट 3, टू इम्पोर्ट और एक्सेस पर्टिकुलर मेथड और फंक्शन फ्रॉम एनी मॉड्यूल। हमने मॉड्यूल तो इम्पोर्ट कर लिए, अब हम लोग इसमें से किसी फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक मुझे SQRT यानी जो मैथ्स का एक फंक्शन है उसे यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ डॉट एस QRT और जो भी मुझे नंबर यहाँ पे लिखना है, जिस भी नंबर का मुझे स्क्वायर रूट गेट करना है वो यहाँ पे लिखूंगा। आपको जब भी कोई भी एक फंक्शन एक्सेस करना है तो आपको यहाँ मैथ डॉट स्क्वायर जरूर लिखना पड़ेगा, या मीन्स जो भी फंक्शन नेम है वो लिखना पड़ेगा। अगर आपको रैंडम फंक्शन यूज करना है या रैंडम से कोई और फंक्शन यूज करना है तो आप इस तरह लिख सकते हो रैंडम, क्योंकि हम लोगों ने तीनों ही मॉड्यूल यहाँ पे इम्पोर्ट किए हैं, तो हम लोग तीनों ही मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म, ओके, तो आप जो भी वैल्यू आपके बीच में देनी है यहाँ पे आप वो वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया किसी भी फंक्शन को या किसी भी मॉड्यूल के किसी फंक्शन को किस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना, टू इम्पोर्ट इंडिविजुअल मेथड ऑब्जेक्ट और फंक्शन फ्रॉम एनी मॉड्यूल। अब आपको किसी मॉड्यूल से कोई एक फंक्शन ही इम्पोर्ट करना है। सपोज करिए कि आपको पता है कि मुझे मैथ्स फंक्शन का सिर्फ स्क्वायर रूट की ही जरूरत है, तो अब आप सारे फंक्शन क्यों इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, मुझे मैथ्स फंक्शन के सिर्फ स्क्वायर रूट की ही जरूरत है, अब मुझे स्क्वायर रूट का ही यूज पड़ेगा और दूसरे किसी फंक्शन का यूज नहीं होगा, तो अब यहां पर लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट SQRT। ठीक है, ये मैंने क्या किया यहां पे, फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट SQRT। तो अब यहां पे आपके पास मैथ्स के अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन ही है
आप लोग सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन ही यूज कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन आप यूज नहीं कर पाएंगे। अब यूज करने का तरीका भी थोड़ा बदल जाएगा, अब आप लोगों को आगे मैथ्स डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, आप विदाउट मैथ डॉट लिखे ही आप एस क्यू आर टी फंक्शन को अगर यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप इस तरह लिखते हैं तो आपको आगे मैथ्स या किसी फंक्शन नेम डॉट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी छोटा सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, टू इंपोर्ट ऑल मेथड्स फंक्शंस फ्रॉम मॉड्यूल इनटू करंट कॉलिंग फंक्शन या करंट कॉलिंग मॉड्यूल। ठीक है, अब मुझको क्या करना है, इसी तरीके से मुझे मैथ्स के सारे फंक्शन कॉल करने हैं, तो अब मैं यहां पे SQRT ना लिख करके सिंपल यहां पे मैं स्टार लगा दूंगा। तो इट मींस क्या हुआ कि मैथ्स फंक्शन के सारे फंक्शन मैंने इंपोर्ट कर लिए। तो जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं तो अब आपको यहां पे फंक्शन नेम लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लिखते हैं इंपोर्ट मैथ तो आपको मैथ्स डॉट एसक्यूआरटी करने की जरूरत है, अगर आप लिखते हैं फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट पर्टिकुलर कोई फंक्शन नेम या फिर ऑल फंक्शन, ठीक है, एस्ट्रिक मतलब होता है ऑल, तो अब आपको यहां पे इस मैथ्स की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हो गए हैं कि किस किस तरीके से हम लोग पाइथन में मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी फंक्शन है उनको भी हम लोग किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीके हो गए। चलिए, आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट इज रिट्रीविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। इट मींस हमारे पास अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा कि मैथ्स के अंदर इतने फंक्शन हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, लेकिन क्या मैथ्स के अंदर इतने ही फंक्शंस होते हैं? नहीं, मैथ्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो वो कौन कौन से फंक्शंस है अगर हमको पता करना है, तो अब हम लोगों को यहां पे ये फंक्शन दिया हुआ है, दिस वन DRI, ठीक है, डायरेक्टरी फंक्शन। इसकी हेल्प से मैं किसी भी मॉड्यूल को कॉल करके उसके अंदर कितने फंक्शन अवेलेबल हैं ये चेक कर सकता हूं। चलिए तुम लोग यूज करके देखते हैं। हमारे पास यहां पे एक फंक्शन है, लाइक मैं यहां लिख लेता हूं इंपोर्ट मैथ, और मुझे ये पता करना है कि मैथ्स के अंदर एक्चुअल में कितने फंक्शंस हैं। तो मैं अब यहां पे लिखूंगा DRI और मैथ्स, ठीक है, मैथ, और इसको मैं प्रिंट कर लेता हूं, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो मुझे जितने मैथ्स के अंदर सारे फंक्शन हैं वो सब के सब यहां पे शो हो जाएंगे। तो ये देखिए इतने सारे फंक्शंस हैं, किसी भी मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शंस अवेलेबल हैं आप सबको विद द हेल्प ऑफ DRI फंक्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल एलियाजिंग। मॉड्यूल एलियाजिंग मीन्स टू क्रिएटिंग निकनेम। ठीक है, हम अपने मॉड्यूल का या अपने मॉड्यूल के अंदर किसी फंक्शन का एक निकनेम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंपोर्ट मैथ्स। ठीक है, तो अब एलियाज कैसे बनाऊंगा, एक कीवर्ड है एज, ठीक है, मैथ्स एज एम। तो अब इसको यूज कैसे करूंगा, मैं इसको पहले कैसे यूज करता था, मैं लिखता था यहां पे मैथ डॉट SQRT फंक्शन। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने अब एलियाजिंग यहां पे कर दी है तो अब मुझे पूरा मैथ यहां लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल एम लिखकर भी काम चला सकता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, टू क्रिएट एन एलियाज और निक नेम ऑफ मेथड और मेंबर ऑफ द मॉड्यूल। यानी फंक्शन की बात अगर हम लोग करें कि उसमें से किसी फंक्शन का अगर मुझे निक नेम क्रिएट करना है तो मैं किस तरह क्रिएट कर सकता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट SQRT एज एस। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट SQRT एज एस। ठीक है, तो अब आपने आप अगर ऐसे कॉल करते होते SQRT फंक्शन, तो अब आप सिंपल SQRT ना लिखकर के सिंपल एस लिखकर भी काम चला सकते हैं, क्योंकि आपने इस SQRT फंक्शन का एक निकनेम क्रिएट कर दिया है या इसको एलियास कर दिया है, उसका नेम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग एलियाजिंग करते हैं या फिर हम लोग एक निकनेम टाइप का क्रिएट कर देते हैं किसी भी फंक्शन का या किसी भी मॉड्यूल का। ठीक है, ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने पढ़ा मॉड्यूल क्या होता है, किस तरह मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होते हैं, किस किस तरीके से हम लोग मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं, ये सारे मॉड्यूल से रिलेटेड पॉइंट हम लोगों ने आज इस वीडियो में सीखे हैं। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।
और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।